नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गंगा तुलसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। गंगा तुलसी, ये रही गंगा तुलसी, ये देख सकते हैं आप गंगा तुलसी। ये सिर्फ गंगोत्री क्षेत्र में या फिर हम कह सकते हैं कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, और इसे गंगोत्री धाम, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, गंगोत्री धाम में प्रसाद के रूप में भी प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, और गंगा माँ को इसे चढ़ाया जाता है। इसके बारे में जो पुराणों में बताया गया है, इसका इतिहास जो बताते हैं कि जब भगीरथ ने अपने तप से गंगा जी को धरती में अवतरित किया था, जब गंगा जी धरती पे आए तो इस क्षेत्र में गंगा जी को सिर्फ यही वनस्पति मिली थी, तो गंगा जी ने यही वनस्पति अपने में प्रसाद के तौर पे स्वीकार की और अपने मंदिर में चढ़ाना स्वीकार किया, तभी इसे गंगा तुलसी कहते हैं। और इसके कई अन्य फायदे भी हैं, आयुर्वेदिक फायदे हम कह सकते हैं। ये जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र है, अगर हमारे कहीं सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई दमा का पेशेंट है, तो हम इसका सांस के अगर हम इसकी खुशबू लेंगे तो सांस लेने में हमें दिक्कत महसूस नहीं होती, और इससे ऑक्सीजन भी हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। यह उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और हम देख सकते हैं जहाँ हम आए हैं ये जंगल में, दिखाइए चौधरी साहब, ये जंगल में पूरा गंगा तुलसी ही गंगा तुलसी है, ये देख सकते हैं आप। गंगा तुलसी गंगोत्री धाम का मुख्य प्रसाद है, जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं उसे यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है, गंगा तुलसी के पत्ते ही दिए जाते हैं, जो कि बड़े ही खुशबूदार होते हैं और ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। यानी कि जब आप हिमालयी क्षेत्र में हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाता है, और गंगा तुलसी का आप सूंघेंगे या इसके पत्ते चबाएंगे तो आपको ऑक्सीजन देंगे ये। यह आप नज़दीक से देखिए दोस्तों, ये इस तरह से गंगा तुलसी होती है, और जो यहाँ के लोकल हैबिटेंट हैं, यहाँ के जो साधु संत रहते हैं गंगोत्री धाम में इस एरिया में, वो लोग क्या करते हैं कि इन पत्तियों को, गंगा तुलसी की पत्तियों को चाय में डालते हैं, और उससे बताते हैं कि चाय का टेस्ट भी बड़ा लाजवाब आ जाता है। तो ये गंगा तुलसी के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी, हमें बताएं ज़रूर। नमस्कार।